वैसे एक बात थी इन वॉलपेपर ऐप्स में, यह एप्लीकेशन हमारा कम से कम टाइम लेकर हमें अच्छे से अच्छा वॉलपेपर देने का काम कर देते हैं। और भाई वॉलपेपर भी अलग सी ही चीज होती है, ढंग के वॉलपेपर अगर लग जाएं तो हमारे मोबाइल को अलग सा लुक देने के लिए बस इतना ही काफी होता है। और ये ढंग के वॉलपेपर ऐसे हाई रेटेड ऐप्स में मिलते हैं, सो चलो देखते हैं इन ऐप्स को। इस ऐप का बेस्ट फीचर पता है, यहाँ कलेक्शन में आना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अनलिमिटेड कलेक्शंस डले हुए हैं, ऐसा हो सकता ही नहीं है कि तुम्हारे मूड और डिजाइन का कोई कलेक्शन ही ना हो इसमें। सो कलेक्शन मिल जाने के बाद उस पर क्लिक कर देना। यहाँ एडिट का भी ऑप्शन है जो कि इसका सेकंड बेस्ट फीचर है। भाई टूल्स तो यहाँ इतने दिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये फोटो एडिटर ऐप है। मैं ज्यादातर इस टाइप का वॉलपेपर नहीं लगाता हूँ, पर जिस टाइप का लगाता हूँ मैं यहाँ से इसे उस टाइप का बना सकता हूँ। सो सब हो जाने के बाद यहाँ से वॉलपेपर सेट कर लेना। सो इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। आजकल इलस्ट्रेशंस वाले वॉलपेपर भी काफी चल रहे हैं जो कि इसके फर्स्ट सेक्शन में ही एम्बेडेड हैं। सो यहाँ से तुम कुछ नया ट्राई कर सकते हो। सो ऐप का नाम है क्रिस्पर। सो जिन लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लाइक वो चाहते हैं कि बिना हमारे कुछ किए हमारे मोबाइल में टॉप क्वालिटी के वॉलपेपर्स चेंज होते रहे, तो उन लोगों को ये सेकंड ऐप डूडल काफी पसंद आएगा। सिर्फ 18 MB का ऐप है ये। ओके, ये शायद पहला और आखिरी वॉलपेपर ऐप होगा प्ले स्टोर पर जिसके अंदर वॉलपेपर के अलावा सब कुछ है। लाइक इसके सेटिंग में जाकर थोड़ा सा सेटिंग करके इसे ऑन कर देना, वॉलपेपर ये ऑटो जनरेट करके मोबाइल में लगा देगा और डिस्प्ले के हर ऑन ऑफ पर ये कुछ नया लगा देगा अपने हिसाब से बिना नेट के। वैसे सेटिंग में मैंने कुछ खास नहीं किया था, तुम बस यहाँ आकर सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देना, तुम्हारा वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा। और मेरी तरह डिस्प्ले के हर ऑन ऑफ पर वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो अपीयरेंस में आकर यहाँ नीचे रैंडम वॉलपेपर डिजाइन को ऑन कर देना। अब बात करते हैं इस ऐप के बेस्ट फीचर के बारे में। यह ऐप स्टैटिक वॉलपेपर के साथ एनिमेटेड वॉलपेपर्स भी देता है। वेल, एनिमेशन सुनते ही हमें लगता है कि भाई हमारे बैटरी का क्या होगा, सो डोंट वरी इसे देखो। 24 घंटे से ज्यादा यूज करने के बावजूद मेरा बैटरी कितना यूज किया है इसने, सो डोंट वरी, बैटरी फ्रेंडली ऐप है यह। नेक्स्ट ऐप भी थोड़ा यूनिक वॉलपेपर कलेक्शन के साथ आता है, बट हाँ देखने में अट्रैक्टिव है ये। अप्लाई करने के लिए उस पर क्लिक करना, उसके बाद कहाँ इसे अप्लाई करना है सेट करके आगे बढ़ जाना। बाकी इसके भी कलेक्शन है यहाँ, छोटे हैं पर हैं। तो ऐप का नाम है वेवी वॉल्स। सो और कुछ खास नहीं है इस ऐप में बताने लायक जिसे मैं फालतू का बोल बोल का टाइम खर्चा करूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो नेक्स्ट ऐप का नाम है डी स्प्लैश। जैसे पिछले ऐप के यूजफुल फीचर को मैंने हाईलाइट किया, सिमिलरली जो फीचर्स इस वॉलपेपर ऐप को बाकियों से खास बनाता है वो इसका ऑटो वॉलपेपर फीचर है। लाइक तुम्हारे वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे कुछ कुछ देर पर, और वो कुछ देर कितना होगा वो तुम यहाँ से सेट कर देना। बाकी और कंडीशन क्या होगा, लाइक मोबाइल चार्जिंग में होगा तब चेंज होगा, वाईफाई से कनेक्टेड होगा, ये सब तुम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। वेल, इस ऐप को भी मैंने अच्छा खासा टाइम यूज किया है इसके ऑटो वॉलपेपर फीचर की वजह से, और इनके वॉलपेपर भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्योंकि इमेजेस ऑब्वियसली अनस्प्लैश वेबसाइट से उठा रहे हैं ये। और सेटिंग में इसके ये चार ऑप्शन काम के हैं। इसे ऑन करके तुम इसके वॉलपेपर्स को सिर्फ लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड कर पाओगे। और जिन लोगों के पास डाटा की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है वो लोग भी इस ऐप पर वक्त गुजार सकते हैं यहाँ से डाटा सेटिंग को मैनेज करके। और जैसा कि मैंने पहले बताया भी कि पहले मैं इसी ऐप को यूज़ किया करता था, पर आजकल मैं ये नेक्स्ट ऐप यूज़ कर रहा हूँ। वॉलपेपर यहाँ तुम स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें इनमें के अक्सर तुम्हारे पसंद के ही वॉलपेपर दिखेंगे, और जो नहीं भी लग रहे हैं उन्हें भी तुम अपना डिज़ाइन का शेप दे सकते हो। लाइक ये वाला सेव पर क्लिक करके यहाँ नीचे कस्टमाइज पर आना। भाई पूरा एडिटर दे रखा है यहाँ वॉलपेपर को कस्टमाइज करने के लिए। मुझे थोड़ा सा ब्लर और थोड़ा सा डार्क टोन वाले वॉलपेपर्स अच्छे लगते हैं, जो कि ये वॉलपेपर वैसा था नहीं, बट इसके एडिटर से मैंने इसे ऐसा बना दिया। सब हो जाने के बाद यहाँ चेकआउट करके सेट टू होम स्क्रीन पर हिट कर देना, वॉलपेपर अपडेट हो जाएगा। ओके, कैटेगरीज भी यहाँ कई हैं, पर इसके कलेक्शन में मैंने कुछ खास देखा था। यहाँ नीचे टोटल 33 कलेक्शन लिस्टेड हैं, जिसमें कि तुम्हारे टोन और मूड के हिसाब से एक दो नहीं बल्कि कई कैटेगरीज मिलेंगे। एक तो ये चीज़ हुई, दूसरा सर्च के दौरान मुझे पता चला कि लोग मोबाइल ब्रांड्स के वॉलपेपर खोजते हैं अपने मोबाइल में लगाने के लिए, जो कि यस, यहाँ इसके लिए भी अलग से कैटेगरी बना हुआ है जिसमें 25 अलग अलग मोबाइल कंपनीज के वॉलपेपर डले हुए हैं। और ग्रेडियंट वॉलपेपर भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, तो तुम यहाँ से अपने ग्रेडियंट भी बना सकते हो और इनके पहले से बने हुए ग्रेडियंट को भी लगा सकते हो। यूज़ करने के लायक ऐप है ये और नाम है वॉलस्पाई। ओके, फ़ोन को इतना कस्टमाइज़ करने के बाद तुम व्हाट्सएप के ही ऐसे नए और यूनिक ट्रिक्स जानना ज़रूर चाहोगे, अगर हाँ तो इस पर क्लिक कर दो।